हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं दर्शन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो शुरुआत करते हैं आज की सेशन की एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशन कोड के साथ। ना हार होनी चाहिए ना थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो सिर्फ जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जो हमारे इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स देखते हैं आज। पहले आज का जो पहला आपका सिनोनिम है वो है आपका मोटिव। मोटिव होता है आपका मकसद। तो इसका जो राइट सिनोनिम होगा वो हो जाएगा आपका मोटिव का इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है आपका? मकसद। पहला जो आपका सिनोनिम है वो है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है मकसद। मकसद का क्या हो जाएगा? इंटेंशन। नेक्स्ट है आपके पास पीटी। पीटी पीटी का मतलब होता है दया। तो इसका राइट जो सिनोनिम है वो हो जाएगा आपके पास मर्सी, MERCY। मर्सी का मतलब भी क्या होता है? दया। नेक्स्ट है अब आपके पास आज का सिनोनिम वो है आपका क्वैश, QUASH। क्वैश होता है जैसे मिटा देना। क्वैश होता है आपका मिटा देना। तो इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मिटाने को क्या बोलते हैं? किसको? रिजेक्ट। रिजेक्ट भी क्या होता है आपका? मिटा देना। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम। पहला है मोटिव। मोटिव क्या होता है? मकसद। उसको हो जाएगा इंटेंशन। पीटी, पीटी होता है दया। दया का क्या हो जाएगा? मर्सी। मर्सी भी आपका दया। नेक्स्ट है क्वैश। क्वैश होता है मिटा देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। अब बात करते हैं सिनोनिम। आज का जो आपका पहला एंटोनिम है, एंटोनिम फर्स्ट एंटोनिम है वो है आपका प्रिवेंट। प्रिवेंट, प्रिवेंट का क्या हो जाएगा? प्रिवेंट होता है जैसे किसी चीज को रोकना। तो रोकने का उल्टा क्या हो जाएगा? किसी चीज को चालू करना। तो चालू करने की इंग्लिश होती है इंड्यूस, INDUCE। प्रिवेंट, प्रिवेंट होता है रोकना। इसका जो एंटोनिम है उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट, इंड्यूस। नेक्स्ट है आपके पास वो है आपके पास एक्सटॉल। एक्सटॉल क्या होता है आपका? किसी चीज की प्रशंसा करना। एक्सटॉल होगा आपका किसी चीज की प्रशंसा करना। तो इसका जो एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? सेंसियोर। ये क्या होता है आपका? किसी चीज की आपने क्या कर दी? निंदा। प्रशंसा का क्या अपोजिट क्या होगा? निंदा। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है आपका, वो है आपके पास जैसे मैं बात करूं इंपॉर्टेंट, वो है आपका जीनल। जीनल का मतलब होता है जैसे दयालु या तो एक तरह का काइंड। तो इसका जो राइट एंटोनिम है वो हो जाएगा आपका अनकाइंड। जीनल का अनकाइंड। तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स ऑफ द डे। तो आशा करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपके एग्जाम में ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है एंटोनिम ऑफ सिनोनिम। हर एग्जाम में एक ना एक एंटोनिम और सिनोनिम पूछा जाता है, ठीक है? तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।